स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस करने से पहले एक बार आप लोगों को हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो रिवाइज करा देता हूं। आप टॉपिक कह लीजिए या फिर फॉर्मूलाज कह लीजिए। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चन समझने के लिए। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात की थी। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec theta is equal to hypotenuse upon base, cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular, ठीक है। उसके बाद हमने trigonometric ratio for complementary angle हमने देखे थे, है ना। complementary angles के लिए हमने trigonometric ratio देखे थे, आपको पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप यहां पर समझ लीजिए। ये सिर्फ डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। यहां पर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसके बाद हमने रिलेशन देखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच रिलेशन। तो रिलेशन क्या थे, साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec कॉसेक थीटा होता है, एंड कॉसेक थीटा 1/sin साइन थीटा होता है, कॉस थीटा 1/sec सेक थीटा होता है, sec थीटा 1/cos कॉस थीटा होता है, tan थीटा 1/cot कॉट थीटा होता है, cot थीटा 1/cot tan थीटा होता है। tan थीटा का एक फॉर्मूला और है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cot थीटा का एक फॉर्मूला और है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई है, इन सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना बताया है। आप लोग जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हमारी प्रीवियस, वो जरूर जाकर देखें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास ये है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो मैंने कुछ एंगल्स की वैल्यूज निकालकर बताई थी हमारे सिलेबस के अंदर, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू, बच्चों अगर हम कॉस की वैल्यू लिखना चाहे तो हम रिवर्स कर देते हैं, है ना, आपको बताया। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 90 यानी कि 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की √3/2, एंड कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2, कॉस 90 की 0 जो साइन 0 की है, ठीक है। फिर 10 की वैल्यू आपको बताई थी, 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते तो 10 की आ जाती है। तो 10 0 की वैल्यू 0 ही होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू √3, 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। फिर कॉट की वैल्यू आपको बताई थी, अगर हम 10 की वैल्यूज को रिवर्स कर दें तो कॉट की आ जाएगी, कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, cot 30 की √3, cot 45 की 1, cot 60 की 1/√3, cot 90 की 0। फिर sec की बताई थी, sec किसका रिवर्स होता है, cos का, है ना। अगर हम cos वाली वैल्यू को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो sec की आ जाती है। सब बताया हुआ है आपको, एक बार वो लेक्चर देख लीजिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको समझाई है। तो sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 45 की √2, sec 60 की 2, sec 90 की इनफाइनाइट। cosec की वैल्यू, sec की वैल्यू को रिवर्स करके लिख दीजिए, cosec की आ जाएगी,
तो कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉसेक 30 की 2, कॉसेक 45 की रूट 2 एंड कॉसेक 60 की 2 अपॉन रूट 3, कॉसेक 90 की 1। फिर हमने लास्ट में देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने प्रूफ किया था। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्लियर। दूसरी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले एक्सरसाइज 8.4 में यूज हुए, इनको आप अच्छे से एक कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और मैंने डिटेल में इनको समझाया भी है, इनको प्रूफ भी कराया है प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या करना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कौन कौन से, साइन ए, सेक ए, कॉट साइन ए, सेक ए, टेन ए, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करना है कॉट की टर्म्स में, है ना, कॉट ए की टर्म्स में। समझ में आया आप लोगों के, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो रिजल्ट हमें लेकर आना है वो कॉट की टर्म्स में लेकर आना है, क्लियर। तो कैसे करें, यानी कि समझ में आया ना क्वेश्चन, साइन का हम इस तरह से कोई रिजल्ट निकालें जिसके रिजल्ट में कॉट आए, सेक का हम एक रिजल्ट निकालें जिसके रिजल्ट के अंदर कॉट आए सिर्फ, टेन का कोई रिजल्ट निकालें जिसके रिजल्ट के अंदर सिर्फ कॉट आए। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें कॉट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। देखो बहुत ही इजी तरीका आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका है, आप इस मेथड से कीजिएगा, है ना। और भी मेथड है, मैं आप लोगों को जो मेथड करा रहा हूं बहुत सिंपल मेथड, सबसे इजी मेथड आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस हमें कॉट की टर्म्स में तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करना है, तो हमें कॉट एक हेल्पर दिया हुआ है ना, कॉट के जरिए से कॉट की हेल्प लेकर हम इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे समझ लीजिए आप, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, सपोज हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल कहां पर है, बी पर, क्लियर है। अब आप कॉट को उठाइए, सबसे पहले कॉट, कॉट ए रेफरेंस एंगल क्या चल रहा है, ए चल रहा है, तो हम एंगल ए ही लेंगे गाइस, एंगल ए ही लेकर चलिए। अब कॉट किस चीज का रेशियो होता है, कॉट किस चीज का रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पहले हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, बेस कौन सा है। तो एंगल ए लेकर चल रहा है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में एंगल ए चल रहा है, इसलिए हमने एंगल ए को ही कंसीडर किया है। तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, क्लियर। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अंदर की साइड लिख रहा हूं ना, परपेंडिकुलर। तो BC हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है एंड 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गई, क्लियर। एंड रिमेनिंग साइड हमारे पास बेस कहलाती है, ये हमारे पास बेस हो गई, ठीक है, क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं, अभी हमने सिर्फ एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट किया है इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब हमें कॉट को देखना है, कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, आप लोगों के बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हर लेक्चर में रिवाइज करा हूं। अब यहां पर बेस देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस कौन सा है, एबी, तो हमारे पास हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू एबी अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर बीसी है, AB अपॉन BC,
क्लियर। तो cot a हमारे पास आया, cot a इज इक्वल टू ab अपॉन bc, क्लियर। अब cot का रिजल्ट तो हमारे पास आ गया ab अपॉन bc। अब हमें करना क्या है एक्चुअल में, हमें तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिजल्ट लिखना है ना, इस ट्राइंगल से ही लिखेंगे। और वो रिजल्ट कब लिख पाएंगे, जब हमें तीनों साइड पता हो, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का। कैसे करेंगे देखो, बहुत इजी है। तो हमने जो कॉट का रिजल्ट निकाला, कॉट इज इक्वल टू एबी अपॉन बीसी हमारे पास आया, क्लियर। अब हम यहां से अगर AB की वैल्यू निकाल लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर, AB की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा और BC की cot A से तो BC cot A हो जाएगा आपके पास। देखो AB की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, AB क्या है हमारे पास, बेस है। तो बेस AB है, AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, BC cot A। तो लिखते हैं यहां पर BC cot A। बेस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, किसकी टर्म्स में फाइंड आउट किया, बीसी की टर्म्स में फाइंड आउट किया। तो हम बीसी को फाइंड आउट नहीं करेंगे, बीसी को फाइंड आउट नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। अब हमें एसी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एसी। कैसे फाइंड आउट करें, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हमारी हाइपोटेनियस होती है। देन एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, क्लियर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एसी फाइंड आउट करना है। तो एबी मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, एबी कितना है आपके पास, बीसी कॉट ए। तो लिख देंगे यहां से बीसी कॉट ए, एबी के प्लेस पर स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस। अब बीसी को हम बीसी ही रहने देंगे, ठीक है, बीसी स्क्वायर, क्लियर है। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी कॉट ए होल स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर हमारे पास आया है। अब हम इसको अलग अलग स्क्वायर दोनों के साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो हमने इंडिविजुअली स्क्वायर कर दिया दोनों के ऊपर, प्लस बीसी स्क्वायर। अब हम यहां से दोनों में बीसी स्क्वायर कॉमन चल रहा है तो बीसी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, बीसी स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा आपके पास, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, क्लियर। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस वन आया हमारे पास। हमें पहले किस चीज की फाइंड आउट करनी है, एसी की। देन एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बीसी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, क्लियर। स्क्वायर बढ़ाएंगे तो रूट लग जाता है। अब देखो बीसी के ऊपर स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, बीसी ही रहेगा, बीसी रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। तो हमारे पास एसी की वैल्यू आ गई, एसी इज इक्वल टू बीसी रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, लिख देते हैं यहां पर क्या है हमारे पास एसी की वैल्यू, बीसी रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। हमारे पास एसी की वैल्यू आ गई बीसी रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, क्लियर। अब देखो ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास आ चुकी है, ए भी हमारे पास आ गई है बीसी कॉट ए, एसी हमारे पास आ गई है बीसी रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, और बीसी बीसी ही रहने देंगे क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो बीसी की टर्म्स में चल रही है तो हम बीसी को फाइंड आउट नहीं करेंगे, बीसी ही रहेगा, क्लियर। इतनी बात करनी है, इसके बाद अब देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हो गया आपका, ठीक है। अब हम इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिजल्ट आराम से लिख सकते हैं क्योंकि हमारी जो साइड आई है ट्राइंगल की, जो साइड आई हमारी वो कॉट की टर्म्स में आएंगे तो हमारा रिजल्ट भी कॉट की ही टर्म्स में आएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं,
बस इतना काम करना था। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपका, क्लियर। अब किस चीज की वैल्यू को हमें कॉट में कन्वर्ट करना था, साइन ए की वैल्यू को, सेक ए की वैल्यू को, टेन ए की वैल्यू, क्लियर है गाइस। तो साइन ए क्या होता है हमारे पास, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर बीसी ही है तो बीसी ही लिखेंगे हम, और हाइपोटेन्यूस कितना है आपके पास, हाइपोटेन्यूस हमारे पास बीसी रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, बीसी रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, क्लियर है गाइस। अब यहां क्या करेंगे हम, बीसी से बीसी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचा वन अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, तो ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू है, ठीक है। हमसे भी क्या कहा था, यही कहा था हमसे कि साइन ए को कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो साइन ए का रिजल्ट हम कॉट की टर्म्स में ले आए, साइन ए का रिजल्ट हम कॉट की टर्म्स में ले आए, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम सेक ए को भी कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, चलिए करते हैं। एक आंसर तो आपके पास आ गया, साइन को हमने कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, sec को भी cot की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, tan को भी cot की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो sec a = क्या होता है हमारे पास, क्या होता है sec, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस आपके पास कितना है, bc रूट cot स्क्वायर a प्लस वन, bc रूट cot स्क्वायर a प्लस वन डिवाइडेड बाय बेस कितना है आपके पास, बेस है आपके पास कितना है आपके पास, बीसी कॉट ए, बेस के प्लेस पर हम लिख देंगे बीसी कॉट ए। अब बीसी से बीसी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट बचा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट ए। देखो सेक को भी हमने कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखो कॉट ही चल रहा है, सेक का रिजल्ट भी हम कॉट की टर्म्स में ले आए तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह से गाइस हमें टेन को भी कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो टेन हमारे पास क्या होता है, टेन ए तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर बीसी ही है तो बीसी लिखेंगे हम, और बेस हमारे पास कितना है, बीसी कॉट ए, बीसी कॉट ए, बीसी से बीसी कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन अपॉन कॉट ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। टेन ए को भी हमने कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों के, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत इजी मेथड आपको बताया मैंने, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो क्या कहा, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक ए को छोड़कर, बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें सेक ए की टर्म्स में लिखना है ना। एंगल कौन से लेकर चलना है, हमें एंगल ए लेकर चलना है, तो वही करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी मान लीजिए, एंगल हमें ए बी बने तो एंगल ए ही हम लेंगे, है ना। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाएगी एंड रिमेनिंग साइड बेस कहलाएगी, क्लियर है गाइस। अब हमें किस टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सेक ए की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो सेक ए को उठाएंगे हम। सेक ए क्या होता है गाइस आपके पास, सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस आपके पास कितना है, हाइपोटेनियस आपके पास ए सी है तो AC अपॉन बेस कितना है आपके पास, AB है AB, sec A is equals to AC upon AB।
अब हम यहां से एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं इस बार, तो एसी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए एसी की वन से, तो एसी इज इक्वल टू ए बी सेट ए। तो गाइस हमारे पास एसी की वैल्यू आ गई ए बी सेट ए, तो लिख देंगे ए बी सेट ए, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब एबी के टर्म्स में आई ना एसी की वैल्यू, एबी के टर्म्स में आएंगे तो एबी की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बीसी की वैल्यू कैलकुलेट और करेंगे, है ना, बीसी की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में चलेंगे, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, देन एसी स्क्वायर, हमारे पास हाइपोटेन्यूस हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एबी हमारे पास कितना है नहीं मालूम, एबी को हम एबी ही रहने देंगे, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर कितना है बीसी भी नहीं मालूम, तो बीसी को हम बीसी स्क्वायर ही रहने देंगे, एसी हमें मालूम है, एसी कितना है ए बी सेट ए, ए बी सेट ए ऊपर स्क्वायर, क्लियर, ए बी सेट ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको इंडिविजुअली कर लेंगे, स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा देंगे, ए बी स्क्वायर सेट स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, हमें किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी बीसी की, है ना, तो बीसी को हम यही रहने देंगे, ए बी को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, देन ए बी स्क्वायर सेट स्क्वायर ए माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर, क्लियर है। अब इन दोनों में ए बी स्क्वायर कॉमन चल रहा है तो कॉमन ले लेंगे ए बी स्क्वायर, तो बचा क्या हमारे पास, यहां पर सेक स्क्वायर ए बचा और यहां पर माइनस वन इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर, क्लियर है गाइस, तो ए बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना रफ कर देता हूं। अब देखो यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट आ जाएगा, हमें तो बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर सेट स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू बीसी, है ना, बीसी से हमने स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग जाएगा, अब देखो ए बी के ऊपर स्क्वायर है तो ए बी रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू बीसी, तो BC की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, BC कितना आया AB sec स्क्वायर A माइनस वन, AB रूट sec स्क्वायर A माइनस वन, तो लिख देंगे BC कितना आया आपके पास AB रूट sec स्क्वायर A माइनस वन, क्लियर है गाइस। अब देखो हमारे पास तीनों साइड आ गए ट्राइंगल की, अब हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec की टर्म्स में लिख देंगे बहुत आराम से, sec को छोड़कर बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइन ए, है ना, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है ए बी सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अभी हमने कैलकुलेट किया ए बी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है ए सी, है ना, कितना है ए बी सेक ए, ए बी सेक ए, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो रूट में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, तो हमने साइन ए को किस टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया सेक ए की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आता है कॉस ए, है ना, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास कितना है गाइस, बेस तो हमारे पास ए बी ही है तो ए बी ही लिखेंगे, अपन हाइपोटेनियस कितना है ए बी सेक ए, ए बी सेक ए, ए बी से ए बी कट जाएगा तो वन अपॉन सेक ए बच जाएगा, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन सेक ए आंसर, ठीक है।
साइन को कन्वर्ट कर दिया सेक की टर्म्स में, कॉस को भी कन्वर्ट कर दिया सेक की टर्म्स में, बचे कौन, टैन बचा, कॉट बचा एंड कॉसेक बचा। क्लियर है? चलिए टैन की बारी आती है। टैन तो हमारे पास क्या होता है, टैन ए इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अंडर रूट टैक स्क्वायर ए माइनस वन, ए बी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन बेस कितना है आपके पास ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बच जाएगा टेन ए। टेन को भी हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है ना, ये थर्ड था हमारे पास, फोर्थ हमारे पास कौन सा है, कॉट। तो कॉट क्या होता है गाइस, कॉट ए इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस हमारे पास ए बी है तो ए बी ही लिखेंगे, परपेंडिकुलर ए बी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ए बी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ए बी से ए बी कट जाएगा तो वन अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन बच जाएगा। तो कॉट ए को भी हमने सेक की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। बचा क्या हमारे पास, कॉसेक बचा है ना, सेक को नहीं लिखेंगे, सेक की टर्म्स में बाकी को करना था तो सेक को छोड़कर बचा क्या, कॉसेक बचा पांचवा हमारे पास। तो फिफ्थ है हमारे पास गाइस कॉसेक, तो कॉसेक को भी हम कन्वर्ट कर देंगे। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक ए इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है, ए बी सेक ए, ए बी सेक ए अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ए बी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ए बी से ए बी कट जाएगा बच जाएगा हमारे पास सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो हमने कॉसेक को भी सेक की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फर्स्ट देखेंगे हम, पहले क्या करना है, इवेल्युएट करना है इस चीज को, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ना। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, पहले जो एंगल हमारे पास, ऐसे एंगल हमने कभी पढ़े नहीं, हमने तो 0, 30 है ना, 45, 60, 90 की वैल्यू याद है, इनकी तो याद नहीं होती। तो माइंड कहां जाना है, कंप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। तो चेक कर लेते हैं क्या ऊपर वाले दोनों एंगल्स कंप्लीमेंट्री है या नहीं है, है ना। तो 63 और 27 का सम कितना होता है, 0, 90 या दो एंगल का सम कितना है 90, तो दोनों एंगल ऊपर वाले क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है ना। नीचे भी क्या होंगे, नीचे भी 17 एंड 73, इनको भी देख लेते हैं, 17 एंड 73 0, 90 है ना, इन दोनों का सम भी 90 है, तो हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल चल रहा है। तो हम कंप्लीमेंट्री वाली क्या करेंगे, आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल है ना। तो साइन को अगर हमें कॉस में कन्वर्ट करना होता है तो 90 से माइनस कर देते हैं एंगल को, थीटा क्या है एंगल। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स यूज करते हैं। तो हम करते कैसे हैं इसको समझ लीजिए। अब देखो न्यूमिनेटर में है ना, न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स में साइन चल रहा है, तो न्यूमिनेटर्स में से किसी भी एक को हम साइन से कॉस में कन्वर्ट करेंगे है ना। क्या है आप 63 वाले को कर लो, क्या है आप 27 वाले को कर लीजिए कन्वर्ट, दोनों में से किसी एक को, सिर्फ एक को किसमें कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सपोज मैं स्टार्टिंग वाले को कन्वर्ट कर रहा हूं, स्टार्टिंग वाले को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं कॉस के अंदर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो इस एंगल को क्या कर दूंगा, 90 में से माइनस है ना, 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर को चल रहा है स्क्वायर अपनी जगह है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 है ना, स्क्वायर को छोड़ दीजिए।
cos 90 माइनस 63 क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, है ना, इसकी वैल्यू sin 63 ही कह रहा है, है ना। क्लियर गाइस, इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 8.3 में भी किए थे। तो cos स्क्वायर 90 माइनस 63 मैंने sin स्क्वायर 63 को लिखा, इसको चेंज नहीं करेंगे दूसरे वाले को, इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, sin स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों में से भी अगर cos है तो sin में चेंज करना होता है, sin है तो cos में चेंज करना होता है, इन दोनों में से भी किसी एक को sin में चेंज कर लीजिए। तो चलिए मैं स्टार्टिंग वाले को ही कर रहा हूं sin में चेंज, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin में चेंज करना है तो एंगल को 90 में से माइनस करके लिख दूंगा, तो sin स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर लिखेंगे हम, sin स्क्वायर 90 माइनस 17, है ना, क्योंकि sin 90 माइनस 17 क्या होता है, sin 90 माइनस 17 cos 17 हो जाएगा, है ना, तो cos स्क्वायर 17 ही इसकी वैल्यू होगी। क्लियर है गाइस, इसको हमने चेंज कर दिया, इसको चेंज नहीं करना, प्लस cos स्क्वायर 73 लिख, क्लियर है गाइस। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 63 कितने होते हैं, 90 में से हम 63 अगर माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 और 8 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 2 27, 90 माइनस 63 कितने होते हैं 27, cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 हमारे पास ऑलरेडी है ही, sin स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय 90 में से 70 माइनस करेंगे कितने बचेंगे आपके पास, 90 में से 70 माइनस कीजिए 10 में से 7 गए 3 और 8 में से 1 गए 7 73, तो इसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर 90 माइनस 17 तो 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, है ना, डिग्री लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों के। अब देखो यहां पर एक आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है, यहां पर एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है, माइंड यूज कीजिएगा अपना। देखो साइन स्क्वायर यहां पर देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये एंगल जो है ना दोनों में सेम चल रहा है, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27, इसकी रिजल्ट क्या होता है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है बट दोनों में चेंज हो, और साइन के ऊपर भी स्क्वायर और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो एंगल दोनों जगह थीटा ही है, यहां पर 27 हो तो यहां पर भी 27 हो, तब उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां पर भी तो यही है, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 दोनों में एंगल सेम है, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ऊपर वैल्यू 1, नीचे भी देखो नीचे भी सेम यही चल रहा है, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 दोनों में एंगल सेम है, दोनों के ऊपर साइन के ऊपर भी स्क्वायर है कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, ये वाली ही आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई होगी, तो नीचे भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, 1 अपॉन 1, 1 आंसर। क्लियर है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में क्या कहा, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65, इसको हमें इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, आपको इन एंगल्स की वैल्यू तो पता ही नहीं क्योंकि हमें तो सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 की पता है, लेकिन 25, 65 की तो हमें पता ही नहीं होती, तो कहां जाएगा माइंड, कंप्लीमेंट्री एंगल की तरफ, तो चेक कर लेते हैं क्या दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है, साइन के साथ जो है cos के साथ जो एंगल है दोनों कंप्लीमेंट्री है या नहीं है, तो 25 एंड 65 कितने होते हैं 0, 90, यस, तो एंगल का सम 90 है तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो हम कहां जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ, यस, यहां पर भी 25 एंड 65 है, इन दोनों का सम भी 90 है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्लियर है गाइस, तो क्या करेंगे, देखो यहां पर साइन एंड कॉस में चल रहा है, अगर साइन एंड कॉस में चल रहा हो तो हम दोनों को या तो साइन बनाए या कॉस बनाए, या तो साइन बनाए या कॉस बनाए, है ना, तो यहां पर हमें सिर्फ एक ही टर्म्स को चेंज करना होगा, देखो अगर मैं साइन को कन्वर्ट करूं तो साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो दोनों मेरे पास क्या आ जाएंगे, कॉस कॉस बन जाएंगे,
ठीक है। अगर यहां पर भी मुझे क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करके दोनों को सेम बनाना है, या तो साइन साइन या कॉस कॉस बनाना है। चलिए कर देते हैं। तो क्या करूंगा यहां पर, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, दोनों को सेम बनाना होगा, या तो साइन साइन बनाऊ या कॉस कॉस बनाऊ। तो चलिए मैं साइन साइन बना रहा हूं दोनों को। तो पहला तो हमारे पास पहली वाली टर्म तो साइन में है ही, साइन 25 डिग्री इंटू इस कॉस को मुझे साइन में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, 90 में से माइनस करके लिख देंगे, साइन 90 माइनस 65 डिग्री, क्लियर है। प्लस अब देखो यहां पर हमने फर्स्ट वाले पार्ट में दोनों को हमने साइन में चेंज किया, तो हमें सेकंड वाले पार्ट के अंदर बच्चों हमें दोनों को कॉस में चेंज करना होगा। ये स्टेप याद रखो, ये स्टेप आपको याद रखना। अगर हम एक पार्ट को पूरा साइन साइन बना रहे हैं तो दूसरे वाले पार्ट को दोनों में कॉस कॉस में कन्वर्ट करना होगा, दोनों को कॉस बनाना होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला तो हमारे पास कॉस 25 है ही, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू इस साइन को भी कॉस बनाएंगे, इंटू इसको कॉस बनाने के लिए क्या करना होगा, 90 में से माइनस कर देंगे, कॉस 90 माइनस 65, क्लियर है गाइस। देखो दोनों को साइन साइन में यहां पर कन्वर्ट किया, यहां पर हमने दोनों को कॉस कॉस बना लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 65, 90 में से 65 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 25 साइन 25 प्लस ये कॉस 25 ऑलरेडी है आपके पास, इंटू 90 में से 65 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 25 इंटू कॉस 25, क्लियर है गाइस। तो साइन साइन के दोनों एंगल भी दोनों की सेम है ना, 25 25, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 लिख सकते हैं दोनों को मिलाकर, और यहां पर दोनों में कॉस कॉस चल रहा है इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25, क्लियर है गाइस। समझ में आ गया आप लोगों के। देखो साइन स्क्वायर 25 यहां पर भी एंगल 25 है, प्लस कॉस स्क्वायर 25 यहां पर भी एंगल 25 है, कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या है, 1, थीटा सेम होना चाहिए दोनों में, है ना। साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों में एंगल भी सेम है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 आंसर, क्लियर है। चलिए बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, और खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए।